आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों की तुलना करना। कोई भी दो भिन्न दी गई हो और हमें पता करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी भिन्नें दी गई हैं उनको देखेंगे। कौन सी दी है, 2/3 और दूसरी भिन्न है 4/5। दोनों का हर असमान है। जब समान होता है तो क्या करते हैं, जो संख्या बड़ी है वही भिन्न बड़ी होती है, पर असमान भिन्नें हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भिन्नें दी गई हैं उनका क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा 5 का 2 में करेंगे तो इसका अंश कितना आएगा, 10। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। बस इतना सा करना है। जब भी हम अब इसमें देखेंगे कि जिसका भी अंश ज्यादा है वही भिन्न बड़ी होगी, तो अंश किसका ज्यादा है, ये ज्यादा है ना 12, तो 12 किसका अंश है, 4/5 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3 और बड़े का साइन लगा देंगे इधर, 4/5 बड़ी है 2/3 से। इस तरीके से हम दी हुई भिन्नों की तुलना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बहुत से जैसे अब दिया गया हो 5/2 और 6/7, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसकी गुणा करेंगे, 7×5=35 और 6×2=12। तो मुझे क्लियर हो गया कि कौन सी बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, इतनी आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब देखिए दूसरा तरीका भी है तुलना करने का, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हर दिया गया हो दोनों भिन्नों का उनका लासा ले लेते हैं। 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले वाली भिन्न का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसके हर को 15 में भाग देंगे और 3×5 ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे तभी भिन्न बराबर होगी। कितना आ गया, 10/15। अब दूसरी भिन्न का मान निकाल लीजिए, 4/5 = 5 का लासा में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 12/15। अब देखिए दोनों भिन्नों का हल कैसा है, समान है और इसका अंश बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 12/15 बड़ा है 10/15 से, 12/15 कौन सी भिन्न है, 4/5, तो यहाँ से 4/5 बड़ा है 2/3 से। इस तरीके से हम किसी भी दी हुई भिन्नों की तुलना बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर। अब देखिए आपको ये भिन्न दी गई हैं 2, 4/7 और दूसरी भिन्न है 5/6। आपको तुलना करके पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। करिएगा। देखिए जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो पहली भिन्न का अंश कितना आया, 24 और दूसरी का 35 आया है। तो पहली भिन्न थी 4/7 और दूसरी 5/6, यानी कि 35 बड़ा है तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 5/6। बहुत सही, सभी क्लैपिंग करेंगे। गुड।